निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की इस्लामाबाद से वापसी। लाहौर एयरपोर्ट पर अहम इजलास। इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर में पेश आने वाले वाक़े की इब्तदाई रिपोर्ट पेश की गई। सैयद मोहसिन रज़ा नकवी का तहकीकती रिपोर्ट की रोशनी में वाक़े पर जुडिशल कमीशन के क़याम का ऐलान। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को जुडिशल कमीशन के क़याम के लिए बाकायदा दरख्वास्त दी जाएगी। तफसीलात क्या हैं ये बताएंगे लियाकत अली, बताइएगा। आज बिल्कुल इस्लामाबाद से वापसी पर निगरान वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने एयरपोर्ट पर अहम इजलास किया, जिसमें इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में पेश आने वाले वाकया की इब्तदाई रिपोर्ट पेश की गई और इस रिपोर्ट की रोशनी में वाकया पर जुडिशियल कमीशन के क्याम का ऐलान किया गया। इस जमन में चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को जुडिशियल कमीशन के क्याम के लिए बाकायदा निगरान हुकूमत की जानब से दरखास्त की जाएगी और केस की तफ्तीश भी लाहौर में शिफ्ट कर दी गई है। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर समेत तमाम यूनिवर्सिटियों में इत्तादे हरासमेंट सेल बनाए जाएंगे और खवातीन प्रोफेसर इन सेल की सरबराह होंगी। ये भी आज के इस इजलास में फैसला किया गया। ये भी फैसला किया गया कि सूबाई सतह पर खसूसी इंसदादे जो हरासमेंट सेल कायम किए जाएंगे। इस हवाले से जो है निगरान हुकूमत उनकी सिफारिशात पर मुकम्मल तौर पर अमल करेगी। मोहसिन नकवी का कहना था कि ये हमारी बच्चियों का मामला है, इसकी जामे तहकीकत करेंगे और बेटियां सबकी साझी होती हैं, इज्जत पर हर्फ नहीं आने देंगे। तीन रुकनी तहकीकती कमेटी के कन्वीनर टी आई जी स्पेशल ब्रांच सैफुल अली राजा ने आज से अपनी रिपोर्ट पेश की, जिसके बाद हुकूमत पंजाब किया कि इस मामले पर जुडिशियल कमीशन बनाया जाएगा और कल जो है वो लाहौर हाईकोर्ट के इस संबंध में बाकायदा दरखास्त भी कर दी जाएगी। आपका बहुत शुक्रिया। जनरल अस्पताल से अगवा होने वाला 3 साल बच्चा अहमद दाता दरबार से मिल गया है। पुलिस की फौरी पेशरफ पर नामालूम खातून बच्चे को दाता दरबार छोड़कर फरार हो गई। महकमा औकाफ की टीम ने लावारिस बच्चे को चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के हवाले कर दिया। एसएचओ कोटलकपत ने बच्चे को वालिदैन के सपोर्ट किया है। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मुबीन हैदर से। मुबीन आगा की बिल्कुल इसी तरह से जनरल अस्पताल से अगवा होने वाला 4 साल बच्चा अहमद दाता दरबार से मिल गया है। लाहौर पुलिस मीडिया सोशल मीडिया समेत तमाम वसाइल को बुरे कार लाइट के बाद सीसीटीवी कैमरों से सीसीटीवी कैमरों को मजीद चेक किया जा रहा था। उसके बाद पुलिस की फौरी पेशरफ पर नामालूम खातून बच्चों को दाता दरबार छोड़कर फरार हो गई। दाता दरबार महकमा औकाफ की टीम ने लावारिस बच्चे को चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के हवाले कर दिया। उसके बाद एसएचओ कोटलकपत ने बच्चे को वालिदैन के सपोर्ट किया। नामालूम खातून मुलजिमा बहुत शुक्रिया आपका। महंगी बिजली के बाद एलपीजी की कीमतों में भी इजाफा। फी किलोग्राम कीमत में 23.86 रुपये इजाफा कर दिया गया। नई कीमत 201.15 रुपये हो गई। घरेलू सिलेंडर में 281.51 रुपये का इजाफा। नई कीमत 2373.64 रुपये हो गई। महंगी बिजली के बाद एलपीजी की कीमतों में भी इजाफा हो गया है। फी किलोग्राम कीमत में 23.86 रुपये का इजाफा कर दिया गया है। एलपीजी की कीमतों पर आवाम का क्या रद्द अमल सामने आया है, आप ही देखिए। 170 रुपये हमारा रेट है प्लांट पर, ठीक है। गवर्नमेंट का जो अपना रेट है उस रेट पे यहाँ कोई भी नहीं दे रहा। हर बंदे ने अपने रेट लगाया हुआ है। वो कहते हैं लेनी है ले लें, नहीं लेनी तो जाए। हमारा पता यार इन्हें भी जान दर हो सकता है, घर जाकर हो सकता है। हुक्मरान या अस गैस माफिया कुछ कह तो नहीं सकते। साडे कहन नाल उन्होंने गैस घटा देनी, तो अगले कहते ने लैनी तो लवो नहीं तो निकलो। 1500-1600 कमाई दे ते शाम नू घर जाईदा, 2 किलो 3 किलो आटा लईदा, ठीक है 400-500 दा कोई 200-300 दा घ्यो ते चीनी चूनी दूध लईदा। दूध लैके जाइए सवेरे उठी दा 100 रुपया गैस वास्ते मिलदा, सिर्फ बच्चियां नू स्कूल भेज भूज के 100 रुपया बचदा, ओदी गैस पवा के ते फिर अल्लाह दा नाम लैके निकलीदा। पाकिस्तान किसान इतिहाद ने कालाबाग डैम बनाने का मुतालबा कर दिया है। मरकजी चेयरमैन किसान इतिहाद कहते हैं कि किसानों को खाद माफिया ने लूट लिया है। लाहौर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पाकिस्तान किसान इतिहाद के मरकजी चेयरमैन खालिद हुसैन ने कहा कि सैलाब से बचाव सिर्फ कालाबाग डैम ही से मुमकिन है। अगर किसी को मसला है तो इसका नाम खुशहाल डैम रख दिया जाए। इस डैम से सैलाबों से भी बचाव है और सस्ती बिजली भी मिलेगी। कपास और मकई खसारे में जा रही है। अगर आपने इस मुल्क की तरक्की करनी है तो आपको खुशहाली डैम कालाबाग डैम बनाना पड़ेगा। कालाबाग डैम उस पर अगर आपको चिड़ है तो उसका नाम खुशहाली डैम रख लें। किसान इतिहाद के सरबरा ने कहा कि हम जल्द लाहे अमल का ऐलान करेंगे, बलूचिस्तान से रैली का आगाज करेंगे, आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा करेंगे, उन्हें बताएंगे कि किस तरह खाद माफिया किसानों को लूट रहा है। खालिद हुसैन ने मकई की इजाफी फसल को बरामद करने का मुतालबा भी किया। पार्क सुजुकी कंपनी ने 16 रोज के लिए मोटरसाइकिल प्लांट बंद कर दिया। फैसला खाम माल में कमी की वजह से किया गया। डीलर्स कहते हैं प्लांट बंद होने से मोटरसाइकिल की सप्लाई मुतासिर होगी और कीमतें मजीद बढ़ेंगी। ये रिपोर्ट देखिए।
پاک سوزوکی کے موٹر سائیکل پلانٹ 31 جولائی سے 15 اگست تک بند رہیں گے، تاہم آٹو موبائل پلانٹ آپریٹ جاری رہے گا۔ خام مال کی عدم دستیابی کے باعث موٹر سائیکل کمپنیوں کو پیداواری مسائل کا سامنا ہے۔ ڈیلرز کا سخت رد عمل، کہتے ہیں موٹر سائیکل پبلک سواری ہے جو پہلے ہی بہت مہنگی ہے، پلانٹ بند ہونے سے قیمتیں مزید بڑھیں گی۔ سوزوکی والوں کی جو موٹر سائیکل ہے وہ میرے خیال سے 3 لاکھ سے اوپر سے شروع ہوتی ہے، اور عام بندے کے پاس 3 لاکھ کدھر ہے؟ یہاں پر تو ہر کسٹمر کے پاس کوئی آتے ہیں، ہم سارا دن بیٹھ رہتے ہیں، لو جی 50,000، 60,000، ہاں 80,000 روپے تک ہوتی ہے۔ جہاں پہ ڈبل قیمت ہو گئی، اب پہلے 30 تھی، اب وہ 80-90، چائنا کی گاڑی جو تھی ہے وہ 1 لاکھ سے اوپر پہنچ گئی ہے۔ دوسری جانب خریدار بھی پریشان ہو گئے، کہتے ہیں عوامی سمجھی جانے والی موٹر سائیکل اب عوام کی سواری نہیں رہی، حکومت بھی بڑھتی قیمتوں کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہے۔ آہستہ آہستہ سارے پلانٹ بند ہو جاتے ہیں، جو گورنمنٹ کی پالیسی جا رہی ہے اس وجہ کر کے سارے پلانٹ بند ہو جانے ہیں، عوام کی طرف دیکھ رہی ہے، باقی چیزیں بند ہو رہی ہیں، ہر چیز جو لینے چل جائے وہ ملتی نہیں ہے۔ سوزوکی کی جو ہے نا، یہ تو یہاں کی پروڈکٹ ہے، یہ یہاں پہ بند ہو چکی ہے، اس وجہ سے جو نا باہر سے اگر آئے گی تو وہ بہت مہنگی ہوگی، ظاہری بات افورڈیبل نہیں ہوگی۔ یہاں پہ پاکستان میں بنے گی تو وہ پاکستان کی جو یہاں کی ہے تو وہ تو ظاہری بات ہے سستی ملے گی عوام کو۔ آٹو سیکٹر کی درآمدات پر عائد پابندیوں کی وجہ سے کمپنی کو خام مال کی قلت کا سامنا ہے، جس سے کمپنیوں کو شدید مالی اور پیداواری مشکلات درپیش ہیں۔ وزیر اعلی آفس میں پولیس افسران کی ایس ایس پی رینک پر پروموشن بیجز لگانے کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ چیف سیکرٹری زاہد اختر زمان اور آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے افسران کو پروموشن رینک لگائے۔ نگراں وزیر اعلی پنجاب کی ایس پی سے گریڈ 19 میں ایس ایس پی پروموٹ ہونے والے افسران کو مبارکباد پیش کی گئی ہے۔ افسران کو محنت اور لگن کے ساتھ فرائض سر انجام دینے کی ہدایت جاری کر دی گئی۔ تفصیلات جانتے ہیں لیاقت علی سے۔ جی لیاقت، آگاہ کیجیے۔ آج بھی اس حوالے سے وزیر اعلی آفس میں جو ہے وہ یہ تقریب ہوئی، جس میں پولیس افسران کے ایس ایس پی رینک پر پروموشن پانے والے جو افسران تھے ان کو بیجز لگانے کی تقریب ہوئی، اور چیف سیکرٹری زاہد اختر زمان اور آئی جی عثمان انور نے پولیس افسران کو اگلے عہدوں کے لیے پروموشن رینک لگائے۔ نگران وزیر اعلی محسن نقوی نے ایس پی سے گریڈ 19 میں ایس ایس پی پر پورٹ ہونے والے افسروں کو مبارکباد دی۔ مختلف جو ریجنس تھے اور اضلاع تھے وہاں سے تعینات 14 ترقی پانے والے افسران جو ہیں اس میں شامل تھے۔ جو ترقی پانے والوں میں پولیس افسران میں جو ہے وہ کامران ممتاز، کامران نواز، ساجد حسین کھوکھر، رضوان خان، ندیم عباس، محمد افضل، محمد بن اشرف شامل ہیں۔ دانا عمر فاروق، بلال ظفر شیخ، علی رضا، عبداللہ احمد، تقیب محمد نعیم، آصف امین امان اور فراز احمد کو بھی پروموشنل رینک لگائے گئے۔ پروموشن پانے والے افسروں کے اہل خانہ کو بھی تقریب میں موجود کیا گیا۔ چیف سیکرٹری اور آئی جی نے تقریب پانے والے پولیس افسران کو مبارکباد دیتے ہوئے ان کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا گیا ہے۔ لیاقت اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان سے وائس چانسلر گورنمنٹ کالج ویمن یونیورسٹی فیصلہ آباد کی الوداعی ملاقات۔ گورنر پنجاب نے پروفیسر ڈاکٹر روبینہ فاروق کی خدمات کو سراہا اور نئے خواہشات کا اظہار کیا۔ ان کی بطور وائس چانسلر تعیناتی کے دوران ادارے کی کارکردگی میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان سے وائس چانسلر گورنمنٹ کالج ویمن یونیورسٹی فیصل آباد کی الوداعی ملاقات ہوئی ہے۔ گورنر پنجاب نے پروفیسر ڈاکٹر روبینہ فاروق کی خدمات کو سراہا اور نئے خواہشات کا اظہار کیا ہے۔ ان کی بطور وائس چانسلر تعیناتی کے دوران ادارے کی کارکردگی میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ صوبائی دارالحکومت کے 6 ٹیچنگ ہسپتالوں میں 100% ادویات ملنا نایاب ہو گئی ہیں۔ صرف پروٹوکول مریض ہی 100% فری ادویات لینے میں کامیاب ہوئے ہیں، جبکہ ہیلتھ کارڈ پر علاج کے باوجود مریضوں سے ادویات باہر سے منگوائی جانے لگی ہیں۔ تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے سجاد حسین سے۔ سجاد، آگاہ کیجیے۔ بالکل، لاہور کے 6 تدریسی ہسپتالوں میں 100% ادویات ملنا جو ہے وہ مریضوں کے لیے مشکل ہو گیا ہے، اور صرف پروٹوکول مریض جو ہے وہی صرف 100% ادویات فری لے سکتے ہیں۔ باقی دیگر جو مریض ہیں بغیر سفارش کے کسی بھی مریض کو 100% ادویات فری ملنا جو ہے وہ محال ہو چکا ہے۔ اس وقت لاہور کے اندر 6 بڑے تدریسی ہسپتال ہیں، جس میں شیخ زید ہسپتال ہے، لاہور جنرل ہاسپٹل ہے، سر گنگا رام ہاسپٹل ہے، میو ہاسپٹل ہے، جناح ہاسپٹل ہے اور سرفسز ہسپتال ہے۔ ان میں سے 4 ہسپتال ایسے ہیں جن کے اندر پرائیویٹ فارمیسیاں موجود ہیں، جہاں پر ادویات جو ہے وہ بیچی جا رہی ہیں، لیکن 2 ہاسپٹل لاہور جنرل ہاسپٹل اور سر گنگا رام ہاسپٹل کے اندر جو ہے وہ پرائیویٹ فارمیسی نہیں ہے۔ اس کے باوجود مریض جو ہے وہ باہر سے میڈیکل سٹور سے ادویات لانے پر مجبور ہیں۔
हेल्थ कार्ड के बावजूद जो है 100% इलाज जो है फ्री नामुमकिन हो चुका है। हेल्थ कार्ड पे इलाज होने वाले मरीजों को जो है वो अद्वियात और इक्विपमेंट जो तिबी आलात हैं वो लिखकर दे दिए जाते हैं और बाहर से वो मेडिकल स्टोर और दीगर कंपनियों से जो हैं वो तिबी आलात और अद्वियात लेने पर मजबूर हैं। इस सारी सूरत हाल पे महकमा सेहत के जो तर्जमान हैं उनका मौक़िफ है कि महकमा सेहत ये कोशिश कर रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है अद्वियात जो है मरीजों को फ्री फ्राहम की जाएँ। जी सजाद अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। शहरियों का कहना है कि सरकारी हॉस्पिटल में अद्वियात नायाब हैं, मरीजों के लिए ज़्यादातर अद्वियात बाहर से ख़रीद रहे हैं। सरकारी अस्पतालों में सहूलियात नाम की कोई चीज़ नहीं, हेल्थ कार्ड के बावजूद प्राइवेट फार्मेसी से अद्वियात लेने पर मजबूर हैं। असी तो क्या सानू अंदरों दे, असी माड़े बंदे हैं, गरीब हाँ, वो तो कहते 7,000 का टीका लियाओ, साढ़े को नहीं है। बाहर से दवाई लेके आए हैं, इन्होंने 14 दिन की दवाई लिख के दी थी, वो हम लेके आए, 5 दिन की दवाई लेके आए हैं, 4,500 रुपये की वो दवाई हमें मिली है। तो कहा था, वो कह रहे थे ये बाहर से ही मिलनी है, ये यहाँ से नहीं मिलेगी। हेल्थ कार्ड के बावजूद दवाई बाहर से मंगवा रहे हैं, वो कह रहे हैं बाहर से लेके आए, हमारे पास नहीं है। बस उन्होंने कहा जी ये नहीं है, ये बाहर से लेकर आए, 2-3 रोज़ हो गए आए हुए, जो चीज़ होती है वो कहते हैं जी ये ले आए, वो हम ले आते हैं। जनरल हस्पताल में 15 साल घरेलू मुलाजमा रिजवाना की हालत फिर बिगड़ गई है, वेंटिलेटर पर मुंतकिल किए जाने का इम्कान है। रिजवाना को ताहाल ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा है। प्रोफेसर प्रिंसिपल सरदार अलफरीद जफर कहते हैं कि बच्ची का ऑक्सीजन लेवल फिर ख़राब हो रहा है। 15 साल घरेलू मुलाजमा रिजवाना की हालत तशवीशनाक, जनरल हस्पताल में जेर इलाज रिजवाना को वेंटिलेटर पर मुंतकिल किए जाने का इम्कान, रिजवाना को ताहाल ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया है। प्रोफेसर सरदार अलफरीद जफर का कहना है कि बच्ची का ऑक्सीजन लेवल फिर खराब हो रहा है। बच्ची का ऑक्सीजन लेवल ठीक करने के लिए गुज़श्ता रोज ब्रोंकोस्कोपी की गई थी, आज फिजियोथेरेपी भी की गई, साइकोलॉजिस्ट और कार्डियोलॉजिस्ट टीमें भी मुआयना कर रही। जनरल हस्पताल के प्रिंसिपल का मजीद कहना था कि रिजवाना को सेप्सिस की बीमारी है जिसकी वजह से जिस्म में इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन खत्म करने के लिए एंटीबायोटिक अद्वियात भी जारी हैं। प्रोफेसर सरदार अलफरीद जफर का मजीद कहना था कि घरेलू मुलाजमा रिजवाना के रोजाना की बुनियाद पर तमाम जरूरी टेस्ट करवाए जा रहे हैं, मुख्तलिफ बीमारियों की वजह से तबीयत में उतार चढ़ाव जारी है। निगरान वजीर अला पंजाब मोहसिन नकवी की जनरल हॉस्पिटल आमद, जख्मी रिजवाना की इयादत की और लवाहिकीन से भी मुलाकात की, लवाहिकीन को फ्री इलाज के साथ इंसाफ की यकीन दहानी भी कराई गई। निगरान वजीर अला पंजाब जख्मी रिजवाना की इयादत के बाद रवाना हो गए। निगरान वजीर अला पंजाब मोहसिन नकवी की जनरल हस्पताल आमद हुई है, जख्मी रिजवाना की इयादत की और लवाहिकीन से मुलाकात भी की है, लवाहिकीन को फ्री इलाज के साथ इंसाफ की यकीन दहानी भी करवाने की हिदायत जारी कर दी गई है। मजीद क्या तफसीलात हैं ये बताएंगे सज्जाद हुसैन। जी बताइए सजाद, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो बताइएगा इस विजिट के हवाले से। मोहसिन जनरल हॉस्पिटल में इस्लामाबाद में जज के अहलिया के तशद्दुद का निशाना बनने वाली बच्ची रिजवाना की इयादत की है, वालों से मुलाकात की और उनको दिलासा दिया गया। मोहसिन नकवी ने बच्ची की खैरियत पूछी और डॉक्टर से सेहत के बारे में अपडेट ली। डॉक्टर ने बताया की बच्ची की हालत जो है वो तशवीशनाक है और बच्ची का डॉक्टर की 12 रुकनी टीम जो है वो इलाज कर रही है और जिंदगी के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। बच्ची को बेहतरीन इलाज मुआवजा की सहूलियत दी जा रही है। केस इस्लामाबाद पुलिस ने दर्ज किया है। वज़ीर आला मोहसिन नकवी इस जीवन में वज़ीर आला पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ से बात करेंगे। बच्ची पर बदतरीन तशद्दुद किया गया, मजलूम खानदान को इंसाफ दिलाएंगे और हर मुमकिन मदद करेंगे। मोहसिन नकवी का कहना था निगरान के हवाले से जो है वो इस फैमिली को जो है वो इंसाफ भी दिलाया जाएगा और उनका इलाज मुआवजा भी फ्री किया जाएगा। जी आपका बहुत शुक्रिया सज्जाद। लाहौर समेत पंजाब के तमाम तालीमी बोर्ड्स का मैट्रिक के सालाना इम्तहानात के नतज का ऐलान, लाहौर बोर्ड में कामयाबी का तनासब 74.57% रहा, पहली 3 पोजीशन प्राइवेट उम्मीदवार ले गए। आतिफ परवेज की रिपोर्ट देखिए। मैट्रिक के सालाना इम्तहानात के नतज का ऐलान लाहौर समेत पंजाब के तमाम तालीमी बोर्ड्स ने नतज सुना दिए। स्पेशल सेक्रेटरी हायर एजुकेशन आगाली अब्बास के चेयरमैन लाहौर बोर्ड मिर्जा हबीब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। लाहौर बोर्ड में कामयाबी का तनासब 74.57% रहा, 9 बोर्ड्स में से लाहौर का 5वां नंबर रहा। डीजी खां में सबसे ज्यादा कामयाबी का तनासब 86.37% रहा। लड़कियों की कामयाबी का तनासब लड़कों से बेहतर रहा, पंजाब भर में 84% से ज्यादा लड़कियाँ पास हुई, 76% लड़के कामयाब हुए। हाईएस्ट सक्सेस रेट आया वो डीजी खान बोर्ड का है और दीगर बोर्ड्स भी, भावलपुर 82% पे, डीजी खान 86 पे, फैसलाबाद 81 पे, गुजरावाला 80 पे,
लाहौर 74 पे, मुल्तान 85 पे, रावलपिंडी 77 पे, साहिवाल 78 और सरगोधा 82 पे। लाहौर बोर्ड में पहली तीनों पोजीशंस प्राइवेट उम्मीदवारों ने समेटी। तूबा आजम ने सबसे ज्यादा 1091 नंबर लेकर पहली पोजीशन हासिल की। मोहम्मद अब्दुल्ला 1090 नंबरों के साथ दूसरे नंबर पर रहे। हादिया नूर 1099 नंबरों के साथ तीसरे नंबर पर रहीं। 17.47% बच्चों ने लाहौर बोर्ड में ए प्लस ग्रेड हासिल किया है। 15.47% बच्चों ने ए ग्रेड हासिल किया है। 21.46 बच्चों ने बी ग्रेड हासिल किया है और 24.73% बच्चों ने सी ग्रेड हासिल किया है। लाहौर बोर्ड के जेरे एहतमाम इम्तहानात में 2,30,915 उम्मीदवार शरीक हुए, जिनमें से 1,72,204 उम्मीदवार कामयाब हुए। कैमरामैन उमर फजल के साथ आतिफ परवेज, लाहौर न्यूज़। लाहौर बोर्ड ने मैट्रिक के सालाना इम्तिहानात 2023 के नतीजे का ऐलान कर दिया है। लड़कियों ने एक बार फिर लड़कों को मात दे दी है। तूबा आजम ने 1091 नंबर हासिल किए हैं और यूं पहली पोजीशन हासिल कर ली है। लाहौर बोर्ड में कामयाबी का तनासुब 74% से ज्यादा रहा। मैट्रिक के सालाना इम्तिहानात 2023 के नतीजे का ऐलान कर दिया गया। लाहौर बोर्ड में कामयाबी का तनासब 74% से जायद रहा। लड़कियां फिर बाजी ले गईं। 1100 में से 1091 नंबर लेकर प्राइवेट उम्मीदवार तूबा आजम ने अव्वल पोजीशन हासिल की। इसी तरह प्राइवेट उम्मीदवार मोहम्मद अब्दुल्ला 1090 नंबर लेकर दूसरे नंबर पर रहे, जबकि हादिया नूर ने 1089 नंबर लेकर तीसरी पोजीशन अपने नाम की। पहली पोजीशन हासिल करने वाली होनहार तालबा तूबा आजम और दूसरी पोजीशन समेटने वाले अब्दुल्ला ने कामयाबी को असातिज़ा की मेहनत और वालदैन की दुआओं का समर करार दिया। अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है उन्होंने, और सेकेंडली मेरे स्कूल और एकेडमी के टीचर्स जो स्ट्रगल उन्होंने मुझ पे की, देन मेरे पेरेंट्स की सपोर्ट और बहुत से लोगों की दुआएं थी मेरे साथ। वालदैन की दुआएं हैं, टीचर्स की दुआएं, हमेशा उन्होंने मुझे सपोर्ट की है और मेरी अपनी मेहनत है। अल्लाह ताला आगे भी मुझे कामयाब करता रहे। वालदैन ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए बच्चों की पढ़ाई में लगन और अनथक मेहनत का एतराफ किया। बहुत खुश हूँ और बयान नहीं कर सकती, माशाल्लाह अल्लाह ताला का बड़ा करम है और मेरी बच्ची माशाल्लाह मेहनती भी, इसने बहुत दिन रात मेहनत की। अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और इसने बहुत दिन रात पढ़ी थी, मैं तो इसे मना ही करता रहता ना, इतना ना पढ़ा करो ना पढ़ा करो, लेकिन अल्लाह का शुक्र है। प्रूफ करके दिखाया है कि अगर आप टीचर्स को फॉलो करते रहेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप तरक्की ज़रूर करेंगे। वैसे भी ये बहुत ओबीडियंट बच्चा है और शुरू से ये माशाल्लाह टॉपर है स्कूल का भी। अल्लाह ताला की बड़ी करम नवाजी है कि बच्चा जो है वो इतने नंबर लेके आया, और इसमें नो डाउट कि सारी एफर्ट्स जो है ना वो बच्चे की तो है ही है, लेकिन इनके साथ साथ इसके जितने टीचर्स हैं उनकी भी एफर्ट्स है। साइंस ग्रुप में 87.08% लड़कियाँ कामयाब, लड़कों की कामयाबी का तनासब 74.78% रहा। आर्ट्स ग्रुप में भी तालबात 62.20% नंबरों के साथ सरफहरिस्त। आर्ट्स ग्रुप में सिर्फ 36.8% लड़के पास हुए। मैट्रिक के सालाना इम्तिहानात में 2,30,915 उम्मीदवारों ने शिरकत की, जिनमें से 1,72,204 तलबा ने कामयाबी हासिल की। इस्तेहकामी पाकिस्तान पार्टी में सियासी रहनुमाओं की शमूलियत का सिलसिला जारी। शेखपुरा से मलिक माजिद और लाहौर से मोहम्मद कामरान का इस्तेहकामी पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का ऐलान। दोनों रहनुमाओं ने सीनियर रहनुमा IPP मियां खालिद महमूद से मुलाकात की। मियां खालिद महमूद का कहना था कि नौजवान क़यादत को इस्तेहकामी पाकिस्तान पार्टी में खुश आमदीद कहते हैं। तफसीलात क्या हैं ये बताएंगे लियाकत अली। की शमूलियत का सिलसिला जारी है और आज शेखपुरा से मलिक माजिद और लाहौर से मोहम्मद कामरान ने दोनों रहनुमाओं ने सीनियर रहनुमा इस्तेहकामे और इस मौके पर जहांगीर खतीन और अब्दुल अली खान की क्यादत पर इत्मीनान का इजहार करते हुए ने शमूलियत का ऐलान किया। सीनियर रहनुमा IPP ने रहनुमाओं को पार्टी रुमाल पहनाए और उनके लिए अनेक तमन्नाओं का इजहार किया। आपका बहुत शुक्रिया।